अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल एनएच व्लॉग्स इन ऑस्ट्रेलिया। सर, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे एनएसडब्ल्यू और आसमानी गवर्नमेंट के, वो क्या प्लान कर रहे हैं। एक और लेटेस्ट वीडियो आई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अपडेट ये है कि इंटरेस्ट रेट एग्रीमेंट हो रहा है एनएसडब्ल्यू और आसमानी गवर्नमेंट में, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले कर आएंगे एनएसडब्ल्यू की इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, यही बात देखिए, एंड इंटरेस्ट स्टेट एग्रीमेंट कुड सी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू न्यू साउथ वेल्स टेरिटरी इंस्टीट्यूट। और सो जो बहुत से प्लान आए थे पहले भी, जिस तरह बहुत से प्लान आए थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लेके आएंगे, तो वो प्लान बार बार मतलब कैंसिल। ऐसा प्लान है जिसको दोबारा लाया गया है, और इस दफ़ा इसमें एक अच्छी बात ये ऐड की गई है कि इस दफ़ा होप आ रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ज़रूर रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो लास्ट फेब के शुरू में एनएसडब्ल्यू का जो ट्रेजर है, उन्होंने ये बोला था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को चार्टर्ड फ्लाइट्स में लेके आने वाले हैं। एंटर मींस के एंटर इन एनएसडब्ल्यू एंड चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए कॉमनवेल्थ के साथ मिल के इन्होंने काम कर रहे हैं अभी, के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करें हमारे स्टेट्स में एंटर करें। अब देख भी सकते हैं स्काई न्यूज़ पे है, एनएसडब्ल्यू पुशिंग इंटरस्टेट सॉल्यूशन टू वेलकम बैक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और इसमें ज़्यादा यही बात की गई है नीचे डिटेल में कि अराउंड 14 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है कोल के बाद ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री आती है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एजुकेशन है। जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अराउंड वन ईयर में, वन स्टूडेंट जो होता है वो $60,000 पैसे खर्च करता है वन ईयर में एक स्टूडेंट। तो इसमें बाकी यही बात की गई कि सबसे बड़ी बात जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एजुकेशन है। तो एनएसडब्ल्यू ने तास्मानी के साथ डिटेल में बात की है, मीटिंग जो की है, उसकी डिसीजन हमें तकरीबन एक दो दिन में पता लग जाएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मेरे चैनल, ताकि एक दो दिन बाद जो मीटिंग होगी उसकी जो डिसीजन होगी वो मैं इस चैनल पर शेयर करूँ, ताकि आप तक पहुँच सकें। और इस बार ये एक पॉजिटिव न्यूज़ के साथ आ रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डायरेक्ट तास्मानी में लेके आया जाए, बिकॉज तास्मानी में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है कोई भी कोरोना का केस नहीं आया, मींस के वो कोरोना फ्री है। नेक्स्ट ये है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और तास्मानी में कोई भी केस नहीं आया, सिर्फ एक केस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आया था, लेकिन तास्मानी बिल्कुल ही कोविड फ्री है। तो एनएसडब्ल्यू ने बोला है कि हम पूरे ऑस्ट्रेलिया में से 60% जो ट्रैवलर्स आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो हमारे होटल क्वारंटाइन में से नहीं होते, मींस के हमारे स्टेट में वो हमारे स्टेट से नहीं होते, तो वो फिर भी हमारे मतलब स्टेट में आके, तास्मानी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे स्टेट में आके वो क्वारंटाइन कर सकते हैं 14 डेज का, और वो क्वारंटाइन के बाद अपनी अपनी स्टेट्स में जा सकते हैं। तो ऐसे ही तास्मानी को बोला है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो एनएसडब्ल्यू के हैं, इनको यहाँ पर क्वारंटाइन करें और इनको फिर एनएसडब्ल्यू में आने दें। और नीचे आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर एक और न्यूज़ है, एनएसडब्ल्यू होटल क्वारंटाइन प्रोग्राम हैज़ बीन कैप्ड एट 3,000 रिटर्न ट्रैवलर्स अ वीक बाय द फेडरल गवर्नमेंट। यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं, अंडर द प्रपोजल डील इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल टू तास्मानी टू स्पेंड 14 डेज इन होटल क्वारंटाइन बिफोर फ्लाइंग टू एनएसडब्ल्यू फॉर स्टडी। द एनएसडब्ल्यू होटल क्वारंटाइन प्रोग्राम हैज़ बीन कैप्ड एट 3,000 रिटर्न ट्रैवलर्स अ वीक बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और इसमें बाकी बस लास्ट यही है कि जो 3,000 ऑस्ट्रेलियंस आ रहे हैं स्टैंडर्ड्स, उनकी जगह नहीं नहीं होगी इसमें। और बाकी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ डोंट लूज योर होप, इंशाल्लाह इस बार जो तास्मानी गवर्नमेंट का जो प्लान है, बाकी प्लान्स की तरह नहीं है कि पहले वो प्लान करते थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके आएंगे, लेकिन इस बार इन्होंने ये प्लान किया है जो 17 जून तक एक्सटेंड है, उसमें प्लानिंग करेंगे कि हम किसी तरीके से भी जो स्कॉट मॉरिसन की गवर्नमेंट को ये केस सबमिट करें कि हमारे जो स्टेट है वो कोविड फ्री है, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इजीली लाया जा सके। Despite getting no closer to an agreement on international students in last week's national cabinet, New South Wales is pushing ahead. Charlotte Mortlock joins us live from Sydney this morning. Charlotte, good morning. An interstate agreement could see students welcomed back to Australia. Pete, that's correct. The New South Wales Treasurer, Dominic Perrottet, has been in talks with the Tasmanian government over potentially striking a deal that would actually see international students flying into Tasmania, completing their 14 days of hotel quarantine there, and then heading to New South Wales for their study. This was an idea that was raised in budget estimates yesterday, and the Treasurer says that there have been extensive talks between the two governments. The $14 billion education sector
sector has taken a massive blow amid COVID, and the New South Wales government is scrambling to try and get it reinvigorated to really boost the economy. Of course, we know that this has been a challenging time for the state government here in New South Wales. They have been frustrated with the fact that they're capped at having 3,000 returning travellers each week by the federal government, but 40% of those people are actually not New South Wales residents. Now, adding to that frustration for the New South Wales Premier, Gladys Berejiklian, is the fact that some of the states are refusing to foot the bill for the residents that have been doing their quarantine here in Sydney. Yesterday, the state recorded a 50th straight day without any community transmission cases. अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल ताकि मेरे आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियोस हों आप तक पहुंच सकें. जो भी लेटेस्ट वीडियोस अभी आ रही हैं आगे बहुत सी अपडेट्स आएंगी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, बॉर्डर्स के बारे में, तो मैं आप तक वो अपडेट्स पहुँचाऊँ. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक सारी वीडियोज़ आ सकें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.